मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के बारे में सूबे के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस यात्रा के जरिए लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह यात्रा इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को लेकर कितने संजीदा हैं। मेरे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर सीधा कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, बहुत कम राज्यों में ऐसा देखा गया है कि सीएम सीधा कनेक्ट करें लोगों से। नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभाली है तब से लगातार किसी यात्रा के माध्यम से लोगों से कनेक्ट स्थापित करते हैं, और जो और ख़ास करके दिसंबर जनवरी के महीनों में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम, चाहे विश्वास यात्रा हो, विकास यात्रा हो, जो भी यात्राएं हुई है वो जनवरी दिसंबर के महीने में हुई है, कि जो फीडबैक जमीन से उनको मिलता है उसको आने वाले समय में जो मार्च का जो हमारा बजट सेशन होता है उसमें योजनाओं को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और खास करके इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय 2 के माध्यम से जो ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की जो उन्होंने योजना बनाई थी उसका धरातल पे क्या स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं, और उसको कैसे हम और फर्दर इम्प्रूव करें उसको देखना चाह रहे हैं। तो उसके माध्यम से ही ये समाधान यात्रा के माध्यम से ही इस चीज़ों को देख रहे हैं। हम समझते हैं कि प्रदेश की जनता के लिए इससे अच्छा मतलब कल्याणकारी जो यात्रा हो सकती है, हमको नहीं लगता है कि इससे बेटर कोई हो सकती है। पहले तो पब्लिक मीटिंग्स होती थी, इंटरेक्शन होता था, अब है कि सीधे जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर 3 बजे सभी सीनियर पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं, जो उनको समझ में आ रहा है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं धरातल पर उनको रजिस्टर कर रहे हैं, उस पर निर्देश दे रहे हैं, उसको 3 महीने में उनको इनकॉर्पोरेट कर, हमको लगता है कि बहुत ही इफेक्टिव रहेगा ये समाधान यात्रा। एक सवाल सुमित जी आपसे भी, कि बहुत कम बार ऐसा होता है, अमूमन जो सभाएँ होती थी वो मन से मुख्यमंत्री संबोधित करते थे, इस बार देखा जा रहा है कि जहां से लोग बुला रहे हैं वहां जा रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए यही तो सीधा संवाद हुआ कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट जनता के बीच में जा रहे हैं, और इस मौसम में आप देख रहे होंगे कि लोग रजाई ओढ़ के जहाँ घर में सो रहे हैं वैसे में मुख्यमंत्री जी बाहर निकलकर आम जनों से मिल रहे हैं, इससे जो जमीनी फीडबैक है वो उन तक पहुँच रही। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये बिहार सरकार के सीनियर मिनिस्टर से जिनसे हमसे बात हमने बातचीत की, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया शिवहर। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर पलटवार किया है। इनका कहना है कि विजय सिन्हा ने मानसिक संतुलन खो दिया है, इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब कितनी सुरक्षा में चला करते थे, उन्हें याद कर ले। अशोक चौधरी का यह भी कहना है कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। हमको लगता है कि जब से नेता प्रतिपक्ष हुए हैं विजय सिन्हा जी, मानसिक संतुलन खो दिए हैं, क्योंकि जब खुद स्पीकर थे तो कितने फोर्स लेकर के घूमते थे, उनको तो खुद देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हैं, इलाकों में जा रहे हैं, और इलाकों में कौन सा ही तो कोई पहली बार तो नहीं है, जितना बार भी मुख्यमंत्री गए हैं चाहे किसी तरह की यात्रा में गए हो, जो उनका प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का उतना तो रहता ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा फोर्स मंगा करके और उनको प्रोटेक्शन में समाधान यात्रा ढूंढ रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।